प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने किसानों को प्रताड़ित किया और उनके ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई की है। एमएम किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर हो रहा। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर उग्र हो गए हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो जहां पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े, अफरा तफरी का माहौल। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं NCR का इलाका, जहां पर कई इलाकों में प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया है और यही वजह है कि आने वाले यहां पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। जो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए खासतौर से परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि इसी मार्ग पर ज़्यादा ट्रैफिक यहां पर लगा हुआ है। दफ्तर, स्कूल, अस्पताल के साथ ट्रेन, बस, फ्लाइट पकड़ने वालों को भी काफी परेशानियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ तो जहां शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कल भी दिन भर यहां पर तनाव रहा, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कल रात की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, सुबह सुबह भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच जो तमाम नेता हैं वो सामने आकर मीडिया के सामने वाइट भी दे रहे हैं कि सब कुछ शांति के साथ होना चाहिए, लेकिन वैसा धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों के साथ अपडेट्स हमको दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर से हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं, साथ ही शिवांग हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या तस्वीरें वहां की, क्योंकि कल वहां पर तनाव रहा था और आज सुबह सुबह से भी वही स्थितियां हैं, अभी ताजा तस्वीरें आप दिखाएं। देखिए, मैं आपको अभी तस्वीर दिखाता हूँ, फिर लाइनअप हुआ है यहाँ पर फोर्स का। या देखिए, अभी ये फोर्स फिर आगे जा रही है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहाँ ब्रीफ कर रहे हैं अधिकारी और बता रहे हैं कि आगे की क्या स्थिति होगी और कैसे हमें डील करना है। वो पूरी ब्रीफिंग वहाँ पर चल रही है और इस फोर्स को जो है वो आगे जाने के लिए बोला गया है। वहाँ पर अभी स्थिति जो है वो संभाल ली गई है पुलिस की तरफ से। सुबह 11 के करीब जो है वो आंसू गैस के गोले, टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ एक माहौल ऐसा बनता नज़र आ रहा था और वहाँ से कुछ भीड़ आ रही थी, तो उसके बाद फिर शांत हो गया है। हालांकि कम्युनिकेशन जो है उनका चल रहा है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो बार बार बयान भी दे रहे हैं और उनसे कम्युनिकेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा जो असर है पूरे देश पे जो है वो पड़ रहा है। आप देखिए कि कितने दिनों से यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, 10 तारीख सुबह 8 बजे से वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, कोई सामान इधर से उधर नहीं जा रहा। नेशनल हाईवे है और इसको पूरा बंधक ये बना हुआ है नेशनल हाईवे, और अगर इसका असर देखा जाए तो दिल्ली में भी आप जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सारा जो है वो दुनिया के आगे सामने वो सारी तस्वीर जी मीडिया नेटवर्क दिखा रहा है। आप देखिए कि आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी इनका दौर चल रहा है बैठकों का, आपस में भी जो है वो बैठ के कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी वहाँ से हो रही है। अभी फिर एक गोला जो है वो छोड़ा गया है टीयर गैस का, तो वहाँ पर कुछ माहौल जैसे ही तनावपूर्ण बनता है उसको संभालने के लिए पुलिस जो है वो तैयार रहती है। अभी आपको बता दूं कि 64 के करीब पैरामिलिट्री की फोर्सेज की कंपनी यहाँ पहुंच चुकी हैं, 50 के करीब जो है वो पुलिस की कंपनीज जो हैं वो पहुंची हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पुलिस के अधिकारी और कर्मियों को बुलाया गया है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के कमांडेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं किस तरह से। अभी देखिए कि ये पूरी फोर्स जो है वो जा रही है, तस्वीरों में दीपक दिखाइए, यहाँ से आप देखेंगे फिर फोर्स अंदर जो है वो जा रही है, पूरी लाइनअप करके उसको ब्रीफ करके अब अंदर फोर्स को भेजा जा रहा है, किसी भी तरह जो है वो बैरिकेडिंग क्रॉस ना कर पाए। दिल्ली जाने की जिद जो है किसान कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए एक और गोला जो है वो फेंका गया है, भीड़
थोड़ी बड़ी होगी वहां पर, और इसमें ये स्पष्ट है कि कुछ शरारती तत्व जरूर हैं जो भड़काने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी देखिए फोर्सेस फिर भेजी जा रही है अंदर और डबल सिक्योरिटी कर दी गई है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदेश हैं। और यहाँ पर दाखिल नहीं होने चाहिए किसान, चाहे किसी भी शर्त पे जो है उन्हें रोका जाए। वहाँ पर सारी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं, किसी को कोई क्षति ना पहुँचे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग के साथ साथ देखा जा रहा है कि कोई शरारती तत्व जो किसी तरह का कोई जो है वो ऐसी चीज़ लेके ना घूम रहा हो जिससे कि वहाँ के लोगों को जो है वो कोई नुकसान पहुँचा पाए या फिर हो रही है। आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है।